अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर जो कि मध्य प्रदेश से मिल रही है, एमपी के रीवा में 160 फीट गहरे गड्ढे में बच्चा गिर गया है। खेत में खेलते समय बोरवेल में ये बच्चा गिर गया। 14 घंटे बीत चुके हैं, बोरवेल से बच्चे को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। 8 जेसीबी रात भर से लगी हुई हैं, जेसीबी की मदद से खुदाई का काम चल रहा है लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। मध्य प्रदेश के रीवा का ये मामला, कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक बच्चे को बोरवेल से नहीं निकाला जा सका है। खेत में खेलने के दौरान बताया जा रहा है कि बच्चा बोरवेल में गिर गया था। फिलहाल ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है ताकि बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। मध्य प्रदेश के रीवा का ये पूरा मामला, कोशिशें लगातार हो रही हैं। 16 घंटे से ज्यादा बताया जा रहा है कि हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के रीवा का ये मामला है, खेत में खेलते वक्त बोरवेल में बच्चा गिर गया, 6 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है। कई घंटों से रेस्क्यू चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। घटना के बाद खेत मालिक बताया जा रहा है कि फरार है। बच्चे तक कैमरा पहुंचाने की भी कोशिशें हो रही हैं, ऑक्सीजन की पाइप पहुंचाने की भी कोशिशें हो रही हैं ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। 4 पोकलैंड मशीन मौके पर मौजूद हैं, 8 जेसीबी लगी हुई हैं खुदाई करने में, एसटीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं लेकिन बच्चे को अभी तक नहीं बाहर निकाला जा सका है। 60 फीट गहरा बोरवेल, बोरवेल में फंसे बच्चे तक पहुंचने के लिए 60 फीट का ही पैरेलल लेन बनाया जा रहा है ताकि बच्चे तक पहुंचा जा सके। बताया जा रहा है कि गेहूं के खेत में 6 साल का बच्चा ये खेल रहा था जिसका नाम मयंक है, लेकिन बोरवेल में बच्चा गिर गया। लापरवाही से जुड़ा है ये पूरा मामला। आखिर बोरवेल को खुला क्यों छोड़ा गया था, ये सवाल है। एक सबक और सीख आखिर लोग क्यों नहीं लेते, ये एक सवाल है।